कोई एक्ट करते टाइम इनसे आप खुद मस्ती हुई हो या? हाँ, मैं कई बार हंसने लगी थी, बिकॉज कई बार दैट्स व्हाई यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैं कहती थी दैट व्हाइल ऑन सेट डोंट इंटरैक्ट, बिकॉज व्हाइल आई एम इन द सीन आई डोंट वांट टू नो यू, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू बी इन सच एन इंटेंस सीन. सो एक दो बार होने के बाद आई सेड लेट्स कीप डिस्टेंस व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग दीज सीन्स, अदरवाइज बिकम्स डिफिकल्ट. फिर मस्ती, तो आई रिमेम्बर कि मस्ती नहीं, मैं एक सीन है मेरा जो बिगनिंग में कहीं, दैट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट शॉट्स एंड अचानक से हैड टू डू समथिंग वैको. तो सडनली मोहित इज लुकिंग एट मी एंड टेलिंग मी वॉट वॉज दैट, एंड तब तक हमारी बात शुरू हुई नहीं थी, एंड एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम लाइक एज इट वॉज द बिगेस्ट स्नॉब ऑन अर्थ एंड आई वॉक्ड ऑफ. Yeah, she still is a snob, isn't she? क्या कर रही थी? आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम चूजी. माई फर्स्ट फिल्म ऑन वर्ड्स ऑल माई एवरी वर्क आई हैव डन, आई हैव आई वॉन्ट टू बी एक्साइटेड, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू फील गुड अबाउट इट. एंड मैं अगर बहुत ही ज़्यादा काम एक साथ उठा लूँ तो मुझे लगता है कि मैं मशीन बन गई हूँ, एंड आई डोंट वांट टू डू लाइक सम जॉब 9 to 5 जॉब और यू नो डेस्क जॉब. सो आई थिंक जब तक कुछ इंस्पायर करता है मुझे, एक एक्टिंग का तो कीड़ा पूरी ज़िंदगी रहेगा, बट आई थिंक इट शुड गिव मी सम ट्रिगर टू बी बैक डूइंग सम वर्क. एंड सम फिल्म्स आई वुड से कि ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ फिल्में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती हैं, तो अगर उसमें मेरा किरदार ज़्यादा लंबा नहीं भी होता है, आई लव टू बी पार्ट ऑफ दोज काइंड ऑफ फिल्म्स, क्योंकि कई बार वो मुझे अपॉर्चुनिटी देती है टू बी अ पार्ट ऑफ गुड सिनेमा. तो इट डिपेंड्स वॉट एंड हाउ आई टेक एज इट कम्स इन द मोमेंट. सो इज देयर एनी योर ड्रीम रोल लाइक? इन फैक्ट डबल रोल मेरा ड्रीम रोल हमेशा से था, एंड आई लव कॉमेडी, बट इस बार मुझे एक हटके डबल रोल मिल गया, एंड एक अलग तरीके का मिल गया, और वो भी इन अ डिफरेंट, यस आई वुड से कि फिल्म जहाँ पे आप एक रोमांटिक फिल्म को अगर आप देखें एंड यू हैव टू कैरेक्टर्स लाइक दिस प्लेइंग स्प्लिट पर्सनैलिटी. नहीं, मैंने साइकोलॉजी की है, आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, आई अंडरस्टैंड पीपल लाइक दीज, आई हैव सीन पीपल लाइक दीज. एंड हाल ही में मैंने, मेरे साथ एक हादसा भी हुआ था आफ्टर, एक्चुअली वन हैड हैपेंड बिफोर द शूट एंड वन आफ्टर द शूट. आई वॉज वॉकिंग इन द मॉल एंड सडनली आई सॉ दिस लेडी एंड आई सेड सॉरी, आई थिंक आई हैव डन, डिड आई टेक समथिंग एंड डिड आई डिस्टर्ब यू. वो कुछ उठा रही थी, मैं भी उठा रही थी, एंड आई सेड सॉरी, एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी विद अ स्प्लिट मोमेंट लाइक. तो मुझे लगा मैं स्माइल कर दूँ, बट स्माइल करने के पहले शी सेड डू आई नो यू, आई सेड नो आई डोंट थिंक सो सॉरी, एंड मैं निकल रही थी तो मैं कुछ और बोलूँ, उसने अपने आप से बात करना शुरू कर दिया, एंड शी यूज सम अब्यूजिव लैंग्वेज. तो मुझे लगा पता नहीं, बहुत नाराज़ हो गई. फिर वो चल के ऐसे ऐसे हिल हिल के चली गई, अचानक किसी और को गई, कुछ सामान उठाया फेंक दिया, फिर वापस गई, एंड देन मच लेटर बिकॉज आई वॉज अराउंड फॉर अ वाइल, मैंने देखा कि वो सबके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी. एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप उस ऐसे टाइप के लोगों को देखते हैं तो दे लुक नॉर्मल, एंड देन सडनली यू रियलाइज कि कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड देन दे बिहेव एक्सट्रीम केस में. तो मेरे साथ वो इंसिडेंट भी हुआ है, पहले भी हुआ है व्हाइल आई वाज वेरी यंग, बट आई थिंक यस आई अंडरस्टैंड. सो मैंने और ये किरदार जो है उसकी वजह है, हर एक के लाइफ में ये नहीं होता कि वो ऐसा ही होगा वो वैसा ही होगा, इसकी भी एक कहानी है, इस लड़की पे जो बीत रही है उसकी कहानी है जिस वजह से वो ऐसी है. तो कीपिंग दैट इन माइंड ऑफ कोर्स आई हैड टू प्ले बोथ कल्पना एंड लैला. जैसे इसकी बात हो रही, प्यार की बात हो रही है, तो डू यू बिलीव इन लव? I strongly believe in love. I think all of us should believe in love. So, अभी तक कोई आपकी close friend या प्यार करने वाली आपको मिली है? Do you have a girlfriend? Of course. Basically, he's trying to ask you. ये सब मैं स्पाइल बता रहा था. आप close friend पूछ रहे हो, girlfriend है. लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जैसे इस film में क्या हो रहा है? What happens with the wife? He's asking about your life. Yeah. I'm turning it and twisting it and bringing it. Say sorry, no personal questions and ख़त्म कर दो. नहीं, मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ. मैं तो बता ही दूँगा. क्या जुबान है. सो व्हाट हैपेंस इज एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू लव समवन, हाउ मच यू अंडरस्टैंड देम एंड हाउ मच यू सपोर्ट देम. बिकॉज हर किसी की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस प्रेशर्स रहते हैं. जैसे इन्होंने इंसिडेंट बताया जो उनके साथ हुआ, वो लेडी पे क्या बीत रही होगी, हम ऑटोमेटिकली बोल देंगे अरे वो तो पागल है, शी इज अ साइको, शी नीड्स हेल्प. बट उसके ऊपर क्या बीत रही है वी डोंट नो. मे बी पेशेंट्स के साथ अंडरस्टैंड करो. सो
So that's what the film is about. And personal life ki baat rahi, haan, I do strongly believe in love. I think a lot of films are there in the... Yeah, you're right. There are a lot of films. Mm-hmm. I don't know. This is a different film. That is a different film. All different films I have think their all the own. Films have their own. And aajkal, like I said, na, people want different content all the time. Correct. So, ye hota hai ki kai baar aap ek film dekhne ke baad bolte hai, yaar, koi picture hi nahi hai. Ab kya dekhe, ab kya dekhe. So, aapko, I think, I will always wish all films well because I wish as an industry, we should all grow and prosper. And make a mark in the world cinema. So मुझे लगता है कि अगर छः फिल्म हैं तो आप हर दिन एक एक पिक्चर देख लीजिए and watch all of them and give us your feedback. Yeah, because all the films releasing on that date, they're all different. हर फिल्म में जैसे आप बोल रहे थे अलग अलग कहानी है अलग अलग genres हैं तो at least it shows as an industry we are growing. We have a lot of films coming out. So support cinema, that's the, what it is at the end of the day. Thank and support you. Ishq Tera, be safe. Thank you so much. Thank you.